चलो भाई जल्दी जल्दी से आप लोग भी सब्सक्राइब करो। ये है, इसके अलावा ये है, ये बच्चों की जो सुखाने की होती है चटिया वटिया। गाड़ी है ये, पानी गर्म करने के लिए। अब मतलब अपने साइड टेबल पे दूध पानी और जैसे कि ये फिटर, ये फिटर कांच का है। Okay, let's go. चैनल, उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। उम्मीद करता हूँ सब आप खैरियत से होगे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना भाई। तो पिछले व्लॉग में तुमने देखा था जैसे कि हमने अपने आने वाले बेबी की शॉपिंग की थी, तो वो आज मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से दिखा दूं बाबे? तो बाबे देखो अभी पैदाइशी बच्चा है ना, तो उसकी जरूरत की हमने चीजें ली हैं भाई। ओके। क्योंकि अब बच्चा जब 6 महीने बाद 6 महीने का हो जाता है ना, तो ये सब फालतू हो जाता है, आप लोगों को भी पता है। इसलिए मैंने बोला जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं आपको और सब कुछ जो बोलूंगी सब दिलाऊंगा, इंशाल्लाह सब कुछ दिलाऊंगा, जिस पे वो हाथ रहेगी मेरी बच्ची या मेरा बच्चा, इंशाल्लाह लड़की हो या लड़का, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इतनी तौफीक दे मुझे कि मैं उसे सब कुछ दिलाऊं। ओ ये क्या कर रही हूं, ये क्या कर रही हो? तो भाई शुरू करते हैं, ये दिखाएंगे आज सब कुछ, बताएंगी क्या क्यों लिया है, कितने का लिया है, कैसे लिया है, कैसा नहीं लिया है और क्या क्या हमने लिया है, ये सब है। सामान देख सकते हैं आप। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, सभी अच्छा है। सबसे पहले मैं इससे शुरू करूंगी क्योंकि आते ही सारे वो उसमें डलेगा ना। हाँ। सॉरी इसी में इसको रखेंगे ना। सही 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 है, सही है, ठीक है। अच्छा ये हमने इस कलर में इसलिए लिया है क्योंकि पता नहीं है, हमें बेबी गर्ल है बेबी बॉय है, तो ये व्हाइट कलर ऐसा होता है कि दोनों में चल जाता है। आगे भी हम जाके शॉपिंग करेंगे, मगर ये सब जो है ना तकरीबन ननियाल की तरफ से। बिल्कुल, ये जितना भी सब कुछ है भाई ये इनकी अम्मी की तरफ से है। अभी तक मैंने कुछ नहीं दिलाया, इनके अम्मी ने जो है पैसे दे दिए थे इनको, मरियम को भेजा था कि जो है आप जो चाहिए इनको, इन्होंने अपनी मर्जी से लिया, पसंद से लिया सब कुछ। और अभी तक मैंने जो है कुछ नहीं दिलाया क्योंकि सब जो है आ चुका है, तकरीबन सभी इसमें आ चुका है। अब बाकी जो कुछ चाहिए होगा तो मैंने बोला आप बताओ मुझे, मैं आपको दिला दूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन मम्मा भी यही कह रही है कि अभी जो है काफी है, जरूरत की चीजें आ चुकी हैं काफी, क्योंकि पता चल जाएगा ना जेंडर क्या है, बेबी गर्ल है बेबी बॉय, तो फिर उसके हिसाब से फिर हम ले लेंगे। जैसे हमने वो टप लिया उसके नहाने के लिए, अब हमने ब्लू कलर में ले लिया। उसका कोट लिया, ये हमने रेड एंड ब्लैक ले लिया। अब उसके हमने जो बैठने वाली सीट ली है, अब हमने पीच कलर में ले ली। सब बोल रहे हैं आपके घर में बेबी गर्ल है बेबी गर्ल, अब हम कैसे बताएं, हमें पता ही नहीं है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। अब आप लोग कलर देख सकते हो, कलर आप अंदाजा हो ही जाएगा। अगर हम पता होता हमें कि बेबी गर्ल है तो हम सब पिंक नहीं लेते। सही बात है। अरे पागलो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी, इसकी अनबॉक्सिंग मैंने करी है और यार माशाल्लाह 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 ये बहुत प्यारा है। बस अल्लाह पाक नसीब करे मेरे बच्चे को इसमें आना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और उसको सेहत और तंदुरुस्ती वाला पैदा करे। तो ये पहले जो हम 7-8 पीस का पूरा सेट आता है वो ले रहे थे, लेकिन उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, मजे का नहीं था। वो लेंगे हम लोग मगर जब जेंडर पता चल जाएगा। ठीक है, अभी जो है फिलहाल सिंगल ये लिया है इन्होंने। भाई कितना प्यारा लग रहा है ना, मोती वोती लगे हुए, ये लड़कियों का लग रहा है वो अभी मुझे, लेकिन दुआ करो लड़की हो जाए फिर लड़की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भाई ये लिया है इन्होंने, ये इसका सबसे पहले ये है, इसके अलावा ये है, ये बच्चों की जो सुखाने की होती है चटिया वटिया। इसको अनबॉक्स करें ना। चलो भाई शुरू करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं हर एक चीज की, आपको दिखाते हैं सब कुछ। तो सबसे पहले ये देखे, ये दिखा दिया आपको बाबे ने, ये जो है हमने बहुत प्यारा भी है देख सकते हैं आप, कलर जो है अभी इसका कह नहीं सकते कि लड़का है लड़की है, तो जो भी होगा हम लोग चला लेंगे, गुजारा जो है कर लेंगे, उसके अलावा फिर अलग से ले आएंगे लड़का होगा या लड़की होगी। उसके बाद ये कपड़ा कपड़े वपड़े सुखाने का, बच्चों की चीजें वगैरह छोटी छोटी होती है, ये इन्होंने ले लिया, मम्मा ने ये लिया। इसको खोलो नहीं बाबा, क्यों खोलना तो है ना वैसे भी, सबको खोल देते हैं। ये क्या चीज है समझ ही नहीं आ रहा, देखो ये यूं तरह होता है। अच्छा ये यूं होता है, मतलब ये छोटा सा, मैं समझ रही थी कि ना ये बड़े बड़े होंगे। नहीं ना इधर लाओ। मैं भाई सबसे चीज मुझे ये अच्छी लगी। चलो भाई उसको आली सारे हम डरा देंगे, इसको यहाँ रखो फिलहाल, इसको भी यहाँ रखो। ये इसको क्या बोलते हैं, नैपकिन, ये नैपकिन है,
मुंह साफ करने की, मुंह साफ करने की। इसको मैं अनबॉक्स करूंगी, एक एक करके अनबॉक्स करेंगे पहले मेरी चीजें। अच्छा ये अभी जो चीजें हैं ये वो है जो मम्मा ने कैश दिया था उससे हमने लिए, और बाकी चीजें उनके पास है, जैसे बिस्तर वगैरह बच्चों की होती है वो, रजाई वगैरह ये सब चीजें वो उनके पास है, वो इंशाल्लाह एक दो दिन में आ जाएंगे, फिर हम आपको वो भी दिखाएंगे। पहले इसके अंदर ये वाला कलर है, शांति पर क्या दिख रहा है यार, ये आप ले लो, नहीं मुन्नी का। और ये छोटी छोटी चीजें खोलो, ये बड़ी चीजें खोल देंगे इनको ऐसे ही रहने। नहीं भाई खोलो 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 फिर। ये क्या चीजें? ये मेरी बनियान है, बनियान नहीं थी ना मेरे पास, माशाल्लाह दिखाएं। डार्लिंग डार्लिंग किड्स, वाओ यार ये डार्लिंग किड्स माशाल्लाह भाई, मेरी बनियान देख सकते हैं। अब इसका साइज देखें, मेरे हाथ के बराबर इसका साइज है, ये देखें कितनी प्यारी लगती है ना बच्चों की छोटी छोटी चीजें। वाओ यार ये बहुत प्यारी है। चलो भाई ये भी अनबॉक्स हो गई है। आराम को नहीं जानता मैं, आराम को नहीं। अच्छा ये सॉक्स हैं, ये आ गए सॉक्स, हाँ ये सॉक्स हैं छोटे छोटे। और ये रुमाल है, ये देखो ये मेरी उंगली के बराबर है। और बच्चे छोटे ही होते हैं भाई, ये सारे रुमाल हैं भाई, कितने सारे रुमाल हैं, क्या इतने रुमाल? बाबे मेरे रूम में पसीना बहुत आ रहा है यार। नहीं 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 नहीं, अभी कोई भी किसी को भी कुछ भी नहीं देना, ये सब में हमारे। दे दो मेरे को। नहीं आप नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं दूंगी मैं, ये सारे रुमाल है जिसकी मैंने अनबॉक्स की, कि बच्चा मेरे ख्याल से दूध वगैरह निकालता है और उसके रुमाल अच्छे हैं, बेस्ट है उसके लिए। ए तंग नहीं करो। आती है इसके बाद बारी आती है, ऐसे नहीं करूँगा। और ये क्या होता है? फॉर्म पार्ट। भाई मुझे इतना आइडिया नहीं है बच्चों की चीजों का, इसका मैं नहीं बना रही ब्लॉग, ये बदतमीजी कर रहा। ये भाई नीचे बिछाने वाली प्लास्टिक है, बहुत से बिस्तर मम्मा ने भी बनाए, जैसे कि ये आप लोगों को मैंने दिखाया था पिछले व्लॉग में, मम्मा ने छोटे छोटे बिस्तर बनाए हैं, कुछ मेरे घर से मम्मा बना रही हैं, वो सब आएंगे मैं आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगी, वार्डरोब भी दिखाऊंगी बेबी की पूरी। अभी तो मैं बस ऐसे ही सेट करूंगी, मगर ये कि इंशाल्लाह जब पूरी सेट हो जाएगी, जब मेरे घर से भी और सामान आ जाएगा और जो मेहमान भी देंगे, अब पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे देंगे यार, सच में मजाक कर रही हूँ, फिर आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। और ये बेबी की ये क्या बोलते हैं इसको, बेबी शीट इस पे पैंपर वैम्पर कशान चेंज करवाएंगे, ठीक है जैसा आप लोगों को पता है। इसको मैं बता दूं, इसको बोलते हैं डिग्निटी शीट आती है इसको वो बोलते हैं, इस पे बच्चे के पैंपर वैम्पर चेंज करवाते हैं, ये डिग्निटी शीट है ना बाबा। होता क्या है, मुझे तो फर्स्ट टाइम ही है भाई, ये नीचे बिछाते हैं ना अगर बच्चे को चेंज वेंज करा रहे हो आप कुछ। और ये क्या चीज है भाई, ये हैंगर है, ये इन्होंने ऐसे ही इसमें हैंगर दिया है ताकि इसको यूं टांग दे आप। अच्छा ये देखिए फाइलर, मगर ये नाम का फाइलर है। और ये कैंची है जिससे मैं उसके बाल काटूंगी। और ये सबसे मुझे बेस्ट इसमें ये था क्या चीज लगी, नाखून कटर, कितना क्यूट है यार। ये क्या होगा, सीजर, ये सीजर है, सीजर ये क्यों लिया भाई, फालतू चीज है ये तो। ये ट्वीजर तो नकली है। और ये जो है नेल कटर है, इसमें नेल कटर आ नहीं रहा भाई, ये कशान के लिए लिए मैंने। ये देखे भाई इन्होंने क्या फालतू चीजें ली है, फालतू चीजें नहीं है ये, इसमें नेल कटर है, इसमें सीजर है, ट्वीजर है और फाइलर है, फालतू है भाई, ये तो फालतू है। क्यों उसके नेल्स नहीं पड़ेंगे, तो अपने नेल कटर से काट देती। और ये देखो ये है बेबी टीथर, सूथर है, टीथर सूथर है, ये बेबी सूथर है, मॉम एंड डैड। इसके अलावा ये जो है बेबी टीथर इन्होंने लिया, और ये इसका दूध का वो, और ये जो है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्या है बाबे, गाड़ी है ये, हैं ये कैसी गाड़ी है, इसके अंदर दूध रखते हैं। वाह भाई इसमें जो है स्पून है एक अदद, ये चुपका हुआ है यूँ हटेगा, ये स्पून है और ये इसका, इसमें क्या दूध रखते हैं, दूध रखने का बॉक्स है ये, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, जैसे मैंने ये लिया है पानी रखने के लिए, इसमें जो है ml भी लिखा हुआ है, ग्राम लिखा हुआ है, कितना ग्राम आ सकता है। देखिए ना ये रस के साथ ये थर्मोस भी है, ये कांच का, इसके अंदर का ना, हाँ कांच का है ना, ये गाड़ी है, ये पानी गर्म करने के लिए, अब मतलब अपने साइड टेबल पे दूध पानी, और जैसे कि ये फिटर कांच का है, फिटर दिखाती हूँ, फिटर भी बहुत है, फिटर कितना प्यारा लग रहा है शान। एक चीज मुझे इसमें काम की लगी है, ये जो है ना जाली, इससे नहाना है मेरे को, इससे बड़ा मजा आता है नहाने का, डगड़ पकड़ के।
ये है हमारी मुन्ने की फीडर, इस पे ML तो लिखा हुआ ही नहीं है, कैसे पता चले? तो अच्छा, हाँ, वो रहा, तो नहीं पीते हैं, तो वो रहा, वो रहा, अंदर है, अंदर है। देखिए अंदर, अच्छा ये जो मेन चीज होती है ना, ये साइड टेबल पे रखने की होती है, जैसे कि ये और वो, ये देखो इसका ये होता है, और ये डेटॉल क्यों लिया हमने? ये देखो इसको डेटॉल से उतार के, अच्छा ये तो बताएं डेटॉल क्यों लिया? खैर, और ये बेबी क्लोन जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं भी लगाती रहती हूँ अक्सर, और ये मैंने आखिरकार अपने बच्चे के लिए भी लिया है, और ये पूरा सेट है जिसके अंदर क्या क्या है खशान? यार ये तो बंद हुआ है, इसमें क्या है? बेबी ऑयल है, बेबी लोशन है, बेबी शैम्पू है, बेबी पाउडर है, बेबी सॉप है, ये जो है किट है पूरी, ये आ गई। और सबसे मजे की बात, इसको ये डराने के लिए लिया, अगर वो सोएगी नहीं रात में इससे डराऊंगी घर से। चुप। चलो भाई जल्दी जल्दी से आप लोग भी सब्सक्राइब करो, ठीक है? बाजे और ये, मैं चुप कर गया, और ये हैंगर, और ये वाटर बॉटल है, वाइप्स है, और ये जो मैंने निकाला था अभी, इसमें शूज वूज है, शूज सॉक्स है, नैपकिन है, टोपा है, कशान आपको नहीं आएगा, और ये हैंगर है यार, और वो वाला सूट खोल के दिखाओ उसमें क्या क्या है। ये सूट है, खोलो नहीं इसको, ऐसे ही रहना। हाँ इसको, और नहीं वो वाला खोल के दिखाएं, ये वाला रहता है वो वाला खोल, और ये वाला, ये खोल के दिखाएं ना। आई लव मॉम एंड डैड, भाई हमारे सब्सक्राइबर को सब खोल के दिखाएं, सब दिखा रहा हूँ, सब दिखा रहा हूँ, सबा रखा। तो भाई ये एक और टोपी शोपी आ गई, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाओ प्यारा लग रहा है ना, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, सो ब्यूटीफुल। अच्छा यार बच्चों की चीजें कितनी प्यारी होती है ना, बहुत बहुत बहुत। भाभी हमारे सूट के साथ टोपी शोपी क्यों नहीं आती? हम तो बड़े हो गए, हमें तो टोपी लेनी हो अलग से, 1200-1300 की टोपी खरीदे, वाह। तो बच्चों की तो 1200-1300 से कम की चीजें नहीं होती, वो इसमें तो ये भी है, ये इसके लपेटने वाला है, लपेटने वाला। आई लव मॉम डैडी का कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ ये सर पे आएगा उसके, यहाँ से उसके यूँ सर पे, ये या पैरों पे, सर पे पैरों पे क्यों, और इसको यूँ और यूँ और यूँ डाल। ये ड्रेस है कितना छोटा सा है, आई लव मॉम डैड वाला जो है ये है, और ये इसका लपेटने वाला, इसको क्या बोलते हैं यार। चलो भाई ये सब आपको दिखा दिया है, ये छोटी मोटी जो चीज़ें थी ये सब आपको दिखा दी है, अनबॉक्सिंग भी कर दी है इनकी। अब रह गई है बड़ी बड़ी चीज़ें, जिसमें से ये टप है नहाने वाला, ये इसमें ये नहलाने के लिए इन्होंने लिया है मुन्ने को अपने, ठीक है? तो इसकी तो अनबॉक्सिंग क्या करें, इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, इसको ऐसे ही यहाँ रख देते हैं, टप ही है। ये इसको पता नहीं, कोट कोट कोट, ये कोट है, बहुत अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट। हाँ ये जो है बहुत प्यारा है यार, ये फाड़ने में बहुत मज़ा आता है। कोट है हमारे पास, इसको भी यहीं रख देते हैं। उसके अलावा ये झूला है, इसको खोलना है, ये झूला देखो ऐसा है, हाँ ऐसा ही बनेगा, और ये इसका जो है ना ये बिल्कुल ऐसा है, ये चीजें जो यूज होंगी ना 6 मंथ बाद यूज होंगी, इसलिए इसको अनबॉक्सिंग करना फजूल है, 6 मंथ बाद दिखा देंगे, ठीक है? इसके अलावा ये तो अभी यूज कर रहा है, हाँ ये खोल लेते हैं, ये देखो ना ये बिल्कुल इस तरह बना हुआ है, इस तरह है भाई, ये ब्लू है, पिंक है, पिंक कलर का, ये मल्टी है, मल्टी शायद नहीं, पिंक कलर, पिंक कलर का। ये रीना बनी हुई तो है, ये बनी हुई गाड़ी, ये है, ये देखा इस तरह का ये झूला है, और ये झूला इस तरह है, रस्सियां जो डालते नहीं ऊपर कुंडों में और फिर उसको लटका देते हैं, वो तो छोटे बच्चे को नहीं होता, ये बैठने का है, ये चेयर है उसकी, इसमें बैठना सीखता है बच्चा, इसलिए जो है ये लिए इन्होंने। तो भाई कशान इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और बहुत मुश्किल हो रहा है लगता, ये क्या गया, चलो कोई बात नहीं, ये निकालना बड़ा मुश्किल है, इसको हमने शीट में इसलिए रखा हुआ यार, ये गंदा ना हो जाए, इसका कलर ऐसा है, इसमें मुन्ना बैठेगा कैसे? ये जो है ना ये उठाने के लिए नहीं है, अच्छा ये ऐसे ही खेलने के लिए, इसलिए ये टॉयज वगैरह ये बच्चे के टांग दो आप, ताकि ये खेलता रहे, खेलता रहे। इसका मुंह तो सीधा करो बेचारे का, नीचे क्यों किया हुआ है, इसका मुंह यूं है, यहाँ पे मुन्ना हमारा बैठेगा और यहाँ से उसके पैर बाहर आएंगे, इसमें बैठना सीखेगा, मतलब ये इसलिए इसमें आप बिठाओगी ना तो उसको आदत होगी बैठने की, इसकी है ये, और ये अच्छी सी है, आप किचन में काम कर रही हो कहीं भी इसको वहाँ बिठा दो उसमें गाड़ी के। इसके अलावा इसमें जो है चलना सीखेगा, इसका बाजा बजा के दिखाओ, पॉपकॉर्न वाला आ गया, पॉपकॉर्न वाला आ गया,
और ये गाड़ी है, ये सब इसकी नानी की तरफ से है और कशान ने कुछ नहीं दिलाया नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें जो हमने ली है, जैसे वो एक सूट हो गया और इसमें ये हो गया शूज हो गए, जैसे मम्मा ने बिस्तर बनाए हैं और मेरे घर से भी अभी बहुत सारे सूट आएंगे, बिस्तर आएंगे, टोकरी आएगी, उनके घर में पेंडिंग पड़ी हुई चीजें, बस लाने का मसला हो रहा है, उनका चक्कर नहीं लग रहा। अच्छा भाई, ड्रेसेस वगैरह हमने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वो सब है ऑलरेडी, बहुत सारे उनकी अम्मी ने लेके रखे हैं। यार सारी चीजें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बस आप लोग इसी तरह हमें दुआ में याद रख, आप लोग ये व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज माशाल्लाह जरूर लिख देना, क्योंकि हमने बहुत 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 प्यार से ली ये चीजें, बस ये कि अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे मेरे बच्चे के और उसको पहनना नसीब हो, खैर खैरियत से वो उस दुनिया में आए। इसके अलावा ये कशान बहुत ज्यादा थक चुके हैं, ऐसी कूलिंग ही नहीं कर रहा, कर रहा है यार, और ये बहुत 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 कम चीजें अभी हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि सब हमें बोल रहे थे यार बच्चा गेन कर लेता है वेट तो वो उसको नहीं आते कपड़े, फिर इस तरह पड़े रहते हैं, फिर गिफ्ट्स भी आते हैं। बाकी ये जो ननियाल से चीजें आने वाली थी वो पहले ही आ गई क्योंकि मम्मा ने मुझे कैश दे दिया था कि जाओ तुम अपनी पसंद से ले लो, इसलिए मेरी बहन आई थी साथ, हम लोग साथ गए थे शॉपिंग पे। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनके घर से आनी है, जो वो खुद कर रही है शॉपिंग थोड़ी बहुत, वो भी इंशाल्लाह एक दो दिन में आएंगी, वो भी उसका भी व्लॉग मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बाकी ये कि आप ही ने बहुत सारी चीजें ली हुई है मेरे लिए, उनके घर से भी वो सारी चीजें आएंगी। ये है कि बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजें ली हुई है क्योंकि पहले ही सबने बोल दिया था कि हम यही लेंगे ये लेंगे वो लेंगे, तो इस वजह से ये चीजें थोड़ी सी कम है, मगर इसकी भी अनबॉक्सिंग करनी थी, आप लोग को दिखानी थी क्योंकि आप लोग सब कमेंट करके बोल रहे थे कि भाभी चीजें दिखाएं आप लेकर आई हैं लेकर आई हैं, तो बस ये सब मैंने आप लोग को दिखा दिया। अब ये सारा कशान करेंगे वापस सेट, मैं करूंगी वार्डरोब सेट, कशान करेंगे ये सब सेट। ओके ओके चलो भाई, सब कुछ आपको दिखा दिया है और सारा सामान जो है मैंने ये इनका रख दिया यहाँ पे अलमारी पे, और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ सेट वगैरह कर दिया है, और यहाँ पे जो है कपड़े अभी आएंगे तो जो और तो फिर हैंगर वगैरह हो जाएंगे। अभी फिलहाल जो है व्लॉग को एंड करते हैं, आगे आपको सब अपडेट देता रहूँगा इंशाल्लाह, सब कुछ बताता रहूँगा, बस आप लोग सपोर्ट करते रहो, इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, आई होप आपको लोग पसंद आएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।